तो ईरान ने इसराइल पर ताबड़तोड़ कई हमले किए हैं और दावा किया है कि ये तो अभी ट्रेलर है, असली युद्ध अभी बाकी है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या अब होगा परमाणु युद्ध? तो इसराइल और ईरान जंग से पूरी दुनिया खौफ में आ चुकी है। ईरान ने 5 घंटे तक इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरानी जनरलों का दावा है कि ये तो अभी ट्रेलर है, युद्ध अभी बाकी है। और इस बीच कुछ रिपोर्ट अब दावा किया जाने लगा है कि अगर ईरान पर इसराइल और अमेरिका मिलकर हमला करते हैं तो ऐसी स्थिति में रूस ईरान के साथ युद्ध में कूद पड़ेगा। देखिए ये रिपोर्ट। इज़राइल से युद्ध, ईरान के साथ रूस। अगर इज़राइल, अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिम देश ये सोच रहे हैं कि हम ईरान को अगले 48 घंटे में तबाह कर देंगे तो ये गलतफहमी वो जितनी जल्दी दूर कर सकते हैं कर लें, क्योंकि कुछ खुफिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन का रूस ईरान का जंग में साथ देने जा रहा है। हुर्रा! दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर अमेरिका, ब्रिटेन और इसराइल मिलकर ईरान पर हमला करते हैं तो रूस की घातक मिसाइलें, ड्रोन और लड़ाकू जहाज ईरान को बचाने के लिए जंग में सीधे कूद पड़ेंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान को खुफिया तरीके से पूरा वॉर प्लान पहुंचा दिया है। पश्चिम मीडिया के जानकारों के मुताबिक इसराइल पर ईरान का सीधा हमला साबित करता है कि ईरान को रूस से हमले की हरी झंडी पहले ही मिल गई थी। I looked at last night. What it tells me is that we can make good on our commitment to defend Israel. It tells me that Israel does have superior military capability. Just think about the hardware that Iran threw into the sky and how little damage that caused. I mean, that's a real testament to how strong the IDF is. It also tells me, and it should tell everybody else, that Israel's not alone. अब सवाल उठता है कि रूस ईरान को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, इसराइल और नाटो देशों से जंग क्यों करने पर उतारू है? क्या ईरान को बचाना रूस का मिशन बन चुका है? जरा देखिए क्यों रूस ईरान का साथ जंग में देने जा रहा है। 2 साल से ज्यादा समय से चल रही रूस यूक्रेन जंग में ईरान जमकर रूस का साथ दे रहा है, इसीलिए अब रूस ईरान का जंग में साथ देने के लिए तैयार हो चुका है। ईरान यूक्रेन युद्ध में रूस को हजारों आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136, वहां से 10 जैसे ड्रोन दे रहा है, जिसके जरिए रूस यूक्रेन को जंग में रौंद चुका है। यहां तक कि खुफिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने रूस को यूक्रेन जंग में अपनी घातक मिसाइल, 3 लाख तोप के गोले, 10 करोड़ गोलियां तक दी हैं और उसके बाद भी हजारों रॉकेट, जंग का सामान रूस अभी भी भेज रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि पुतिन ईरान के एहसान को दिल से मानते हैं और ईरान से वफादारी दिखाते हुए अब जंग में ईरान का साथ देने जा रहे हैं। रूस के दम से ही ईरान ने इसराइल पर घातक हमले किए हैं और 330 मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। برادران و دوستانمان در منطقه که ایالات متحده آمریکا در آن کشورها دارای پایگاه نظامی است، اعلام کردیم که هدف ما در دفاع مشروع صرفاً تنبیه رژیم اسرائیل هست.
ईरान के साथ मुस्लिम वॉर, इसराइल के साथ नाटो। इसराइल और ईरान की जंग में दुनिया तेजी से बढ़ रही है। जहां रूस ईरान के साथ खड़ा है, तो वहीं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत तमाम पश्चिमी और नाटो देश इसराइल के साथ खड़े हैं। अब जरा आप ये भी जान लीजिए कि ईरान के साथ मुस्लिम वर्ल्ड के कौन कौन से देश खड़े हैं और कौन से मुस्लिम देशों ने ईरान के साथ गद्दारी की है। पहले आप ये जान लीजिए कि जब ईरान आधी रात में इसराइल पर भयानक हमले कर रहा था, तो उस वक्त अरब देश जॉर्डन ने ईरान के घातक हमलों को नाकाम करने के लिए क्या किया। टाइम्स ऑफ इसराइल ने इजरायली सेना के सूत्रों के हवाले से बताया है कि जॉर्डन के जेट विमानों ने उत्तरी और मध्य जॉर्डन से होकर इसराइल की ओर जाने वाले दर्जनों ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। जॉर्डन की तरफ से इसराइल की मदद के लिए अपने जेट भेजना एक बड़ा कदम है। इजरायली सूत्रों का कहना है कि ईरान के ड्रोन जॉर्डन घाटी और हवा में उतारे गए थे और यरूशलम की ओर जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही जॉर्डन के फाइटर जेट्स ने ईरान के ड्रोन को मार गिराया। ईरान जॉर्डन की गद्दारी से बेहद नाराज है। इसराइल की मदद करने के लिए ईरान की IRGC ने जॉर्डन को धमकी दी है कि अगर वो इसराइल की और मदद करता है, तो ईरान का अगला टारगेट जॉर्डन होगा। एक पश्चिमी न्यूज एजेंसी ने ईरान के सूत्रों के हवाले से दावा किया है, ईरान की सेना ज़ायोनी शासन के खिलाफ हमले के दौरान जॉर्डन की गतिविधियों की सावधानी पूर्वक निगरानी कर रही है, और अगर जॉर्डन हस्तक्षेप करता है, तो ईरान का अगला टारगेट जॉर्डन होगा। इसराइल पर ईरान के हमले के बाद से पूरे ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। ईरान का दावा है कि उसने कई घंटे तक इसराइल पर हमले किए, लेकिन वहीं इसराइल और अमेरिका का दावा है कि उसने इसराइल के 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है। जरा देखिए ईरान के कितने ड्रोन और मिसाइलें तबाह हुई हैं। ईरान ने इसराइल पर करीब 5 घंटे तक हमला किया। इसराइल पर ईरान के हमले के दौरान अमेरिकी सेना ने 70 से ज्यादा ड्रोन और कम से कम 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने ईरान द्वारा दागे गए करीब 99% ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया है। दावे के मुताबिक ईरान के 170 मिसाइल और ड्रोन को इसराइल के बाहर ही मार दिया गया, जबकि ईरान की 30 क्रूज मिसाइलें एक भी इजरायली एयर स्पेस में नहीं घुस पाई। 30 में से 25 मिसाइलें तबाह कर दी गई। ईरान की 120 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, जिन्हें तबाह करने का दावा किया गया है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि ईरान की कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल के नेवातिम एयर बेस में गिर गई थी। इजरायली सेना ने माना है कि उसे मामूली नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर ईरान के 320 ड्रोन और मिसाइलें तबाह हुई। המערכה הזאת עדיין לא הסתיימה. אנחנו צריכים להיות ערניים וקשובים להנחיות צה"ל, להוראות פיקוד העורף ולהיערך לכל תרחיש. יחד עם זה, את הגל המשמעותי ביותר, הראשון, בלמנו ועשינו את זה בהצלחה גדולה. איראן נה דיכאיה טריילר, יוד, תו אבי באקי הי. פישלי קוץ' גנטו מג'ו הלאט פשם אישיה מג' ג'נג סבנה. उससे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका, ब्रिटेन जंग में सीधे तौर पर कूद पड़े हैं। इसराइल भी ईरान पर जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है। इसराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू फाइटर जेट F-15 बेस का दौरा कर चुके हैं। नेतन्याहू भले ही ईरान को तबाही की धमकियां दें, लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। जरा देखिए ईरान क्यों कह रहा है, अभी तो ट्रेलर देखा है, युद्ध तो होना अभी बाकी है। ईरान को अपनी मिसाइल और ड्रोन ताकत पर जबरदस्त भरोसा है, और इसीलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इसराइल के बीच चल रही जंग से दूर हो जाओ। जरा देखिए कैसी है ईरान की हवाई हमले की ताकत। ईरान के पास 9 ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो हजारों किलोमीटर दूर इसराइल पर हमला बोल सकती है। इन मिसाइल में अगर सबसे खतरनाक मिसाइल की बात की जाए तो वो है सेज। ये मिसाइल 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से 2500 किलोमीटर दूर हमला कर सकती है, तो वहीं खेबर मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। इसके साथ ही हज कासेम की अटैकिंग रेंज 1400 किलोमीटर है। ईरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो न्यूक्लियर पावर से लैस है, इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। ईरान ने अपने ड्रोन के जखीरे में भी खास काम किया है। पूरे मिडल ईस्ट क्षेत्र की बात की जाए तो ईरान आत्मघाती ड्रोन का सबसे बड़ा निर्माता है। ईरान के पास मुहाज़ 10 नाम का घातक ड्रोन भी है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है,
तो वहीं मुहाज़े ट्रेन अपने साथ 300 किलोग्राम का विस्फोटक भी ले जा सकता है। אמש איראן פתחה במתקפה נגד ישראל ושיגרה יותר מ-300 איומים מסוגים שונים. האיום האיראני פגש את העליונות האווירית והטכנולוגית של צה"ל בשילוב קואליציה לוחמת חזקה שיחד ירתו את רובם המכריע של האיומים. अब ऐसे हालात में अगर ईरान रूस के साथ सीधे जंग में कूद पड़ता है तो फिर अमेरिका ब्रिटेन मिलकर भी इसराइल को ईरान से बचा नहीं पाएंगे। अब देखना होगा कि ईरान का अगला कदम क्या होगा और इसराइल ईरान के हमले का बदला कैसे लेता है, क्योंकि रूस अब ईरान के साथ चट्टान बनकर खड़ा हो गया है। हुर्रा! अड़तालीस घंटे यही डेडलाइन है युद्ध की, आर पार के युद्ध की। इसराइल अपने दुश्मनों को वक्त बताकर मारता है, संभलने का मौका भी नहीं देता है। हमास के हमले के महज 72 घंटे बाद इसराइल ने ऑपरेशन शुरू कर दिया था, लेकिन ईरान के पास उतना टाइम भी नहीं है।